तो हम अब अल्फाबेट से स्टार्ट करते हैं संस्कृत के। पहला व्हाइट बोर्ड ओपन करें। ठीक है, तो आपको दिख रहा है व्हाइट बोर्ड ढंग से? हाँ जी, ठीक है, तो हरे कृष्णा। तो अल्फाबेट जो संस्कृत के हैं वो तीन प्रकार के हैं, वोवेल्स, कॉन्सोनेंट्स और होते हैं एक मिक्स्ड अल्फाबेट। तो वोवेल्स जो होते हैं उनको स्वर कहा जाता है संस्कृत में, और जो कॉन्सोनेंट होते हैं उनको व्यंजन कहा जाता है। संगीत में भी आपने देखा होगा कि स्वर होते हैं, हाँ जी, सात हैं संस्कृत में, सारे गामा पा धा नि सा। संस्कृत में उन सात सुरों को, सुर को ईश्वर कहा गया है। उसी प्रकार से अगर हम देखेंगे तो संस्कृत जो है वहां पे भी सुर जो है उनको कंप्लीट माना जाता है, कॉन्सोनेंट जो व्यंजन होते हैं उनको इनकम्प्लीट माना जाता है, क्योंकि स्वर को ऐड किए बिना किसी भी प्रकार का हम कॉन्सोनेंट का उच्चारण मतलब प्रोनाउंसिएशन नहीं कर सकते। जैसे अगर मेरा नाम अभय है और अगर मैं इनमें से वोवेल्स को निकाल दूंगा तो इसका उच्चारण नहीं हो पाएगा। अगर इनमें से स्वर निकल जाएंगे तो इनका उच्चारण नहीं हो पाएगा, है ना। अगर इसको मैं हिंदी में करके दिखाऊं तो अगर हम लिखते हैं भरत, तो अगर आप देखेंगे भ में अ जुड़ा हुआ है, उसके बाद अगर र तो र में अ जुड़ा हुआ है, उसके बाद त तो त में अ जुड़ा हुआ है, भ में अ जुड़ा रहेगा तो भ हो जाएगा, र में अ जुड़ेगा तो र हो जाएगा, त में अ जुड़ेगा तो त हो जाएगा, फिर तीनों को अगर हम जोड़ेंगे तो भरत है। अब अगर मैं इनमें से इन स्वरों को निकाल देता हूं तो हम भरत शब्द उच्चारण नहीं कर पाएंगे। भरत ऐसा इसका उच्चारण हो, भरत ऐसा, तो वो क्लियर भी नहीं होगा। तो कॉन्सोनेंट को हमेशा वोवेल्स की जरूरत पड़ती है उच्चारण करने के लिए, और जो है स्वर जो होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, उनको अगर ऐड किया जाए तो भी ठीक, नहीं किया जाए तो भी उनको कोई उसमें दुविधा नहीं। तो पहले हम स्वर को सीखते हैं। स्वर हैं संस्कृत में आ आ ऊपर आपने ऊपर क्या लिखा है? ये संस्कृत में लिखा है। हाँ, क्या लिखा है? और संस्कृत लिखा है? नहीं, लिखा क्या है हाँ, ऊपर? संस्कृत में लिखा है ये। संस्कृतम। ओके। ऋ ऋ
लुई ए आई नो आउट ये जो है संस्कृत में स्वर है। स्वराहा आ ई उ ऋ ऋ ए ओ ऐ औ ये संस्कृत के स्वर हैं। वैसे तो अगर इनको ऐसे गिनेंगे तो इनकी संख्या होती है 13 13। लेकिन संस्कृत में जो है एक कॉन्सेप्ट होता है ह्रस्व, और एक होता है दीर्घ। ह्रस्व का मतलब इंग्लिश में अगर कहेंगे तो शॉर्ट, और दीर्घ का मतलब कहेंगे लॉन्ग। तो ये ह्रस्व, तो अगर अ को अगर वो करेंगे तो ये जो अ है और आ है दोनों अ ही हैं, बस ये जो अ है ये ह्रस्व है मतलब शॉर्ट, और ये है दीर्घ। तो ऐसे तो इनकी संख्या 13 होती है, लेकिन संस्कृत व्याकरण की अब जब बात करेंगे तो इन दोनों को एक ही गिना जाए। उसी प्रकार ये छोटा ई और ये बड़ा ई, लेकिन है ये ई ही, इसलिए एक ही माना जाएगा, बस उसको छोटा और बड़ा कहेंगे। ऊ के साथ भी सेम है 3, री के साथ भी सेम है 4, री 5 है 6 7, आठ और 9। तो संस्कृत में 9 स्वर होते हैं। समझ आ रहा है ना आपको? अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। Trying to understand. संस्कृत में 2 होते हैं, तो स्वर होते हैं और एक व्यंजन होते हैं। So swear are vowels, right? हाँ, तो वोवेल्स कहते हैं इनको, कॉन्सोनेंट्स में। ओके, सो ये ऊपर जो आपने लिखा है अभी, ये 9, ये सारे वेल्स हैं. ये वोवेल्स, ओके. इन वोवेल्स के अंदर भी ह्रस्व और दीर्घ की वजह से, ऐसे तो ये अगर इनको इंडिविजुअली एक एक को गिनेंगे तो ये 13 होंगे, लेकिन इनको जो है क्योंकि ये शॉर्ट और दीर्घ है, लेकिन है ये आ ही, जैसे ये छोटा ऊ और ऊ 3, री और री 4, फिर ये 5 री, ये बड़ा ही है छोटा नहीं है री, फिर ये सारे बड़े हैं, ये सारे दीर्घ हैं, इसके बाद इनका कोई छोटा नहीं होता, ये सारे बड़े हैं। So री यहाँ ए ओ आई और आई औ, औ इसमें बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं कि जैसे एक ही ए है और एक ही आई है, तो ऐसे समझते हैं कि ये छोटा है और ये बड़ा है, क्योंकि हिंदी में क्या होता है कि हिंदी में इनको साथ में लिखा जाता है, लेकिन ये दोनों अलग है ना। ये अ जो है, ये ए जो है, ये अ और ई को मिला के ए बनता है,
इसे इसको ए कहते हैं, और ये जो आई है ये अ और ए को मिला के आई बनता है, इसलिए इसको, इसलिए इसमें दो वोवेल हैं, इसलिए ये ऑलरेडी ह्रस्व का मतलब है कि एक ही वोवेल है ना, दीर्घ का मतलब है कि डबल है, मतलब जैसे ये आ है तो अ प्लस आ अ, या आ इसमें दो वोवेल आ गए इसलिए ये दीर्घ हो गया, बड़ा हो गया। उसी प्रकार ये जो छोटा ई है, लेकिन ये जो बड़ा ई है इसमें दो छोटे ई है, दो छोटे ई से मिलके एक बड़ा ई बनेगा। उसी प्रकार ऊ में भी दो छोटे ऊ से मिलके एक बड़ा ऊ बनेगा, इसलिए इसको दीर्घ कहा जाएगा। ऐसा ही री में भी है, री जो है ल और री को मिला के बनता है, इसलिए इसमें भी दो है, इस कारण से ये दीर्घ है, लॉन्ग है। इसके री से पहले जितने हैं उसमें शॉर्ट है और दीर्घ है, लॉन्ग है, ह्रस्व और दीर्घ दोनों है। री के बाद सारे री और री के बाद जितने आएंगे सारे दीर्घ स्वर होते हैं। ओके तो ऐसे इनकी संख्या 9 है, ह्रस्व ओके और दीर्घ। और फिर तीसरे प्रकार के होते हैं मिक्स। मिक्स यानी दो शब्द, दो अल्फाबेट्स लेटर्स को मिला के एक वर्ड बनता है, तो उसको मिक्स कहेंगे। जैसे त्र है, तो ये जो त्र है इसको त प्लस र, ये अगर इनको जोड़ेंगे तो ये त्र बनेगा, त्र। फिर इसमें अगर और जोड़ देंगे तो ये त्र हो जाएगा। तो इस टाइप के जो अल्फाबेट्स होते हैं उनको मिक्स्ड कहते हैं, मिश्रित वर्ण है ना, मिश्रित है ना, जिनको मिलाया गया है। एक बार और मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा, और वो क्या है, कोई डाउट ना रह जाए। तो वोवेल्स का जो संख्या है वो 9 हाँ जी, है ना, ऐसे ये तो री से पहले जितने हैं वो सब दीर्घ और अपने ओके ह्रस्व, ह्रस्व और दीर्घ से दो इसमें भेद होते हैं है ना। स्वर मतलब वोवेल्स, कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन, और मिक्स्ड जो होते हैं उनको मिश्रित कहा जाता है, जो हम आगे सीखेंगे, अभी हम स्वर पे हैं इसलिए स्वर की बात कर रहे हैं। तो इसमें जो है ह्रस्व और दीर्घ के दो भेद हो जाते हैं, प्लुत का भी होता है लेकिन वो हम बाद में सीखेंगे है ना। अब इसका क्या है कि ये जो अ है, मान लीजिए कि इसको उच्चारण करने में अगर 1 सेकंड लगता है, तो ये जो दीर्घ है दो इसको सेकेंड उच्चारण लगे। करने में 2 सेकंड लगेंगे है ना, मतलब टाइम ड्यूरेशन जो भी हो उसका डबल लगेगा दीर्घ को उच्चारण करने में, ह्रस्व का जो भी है। तो ह्रस्व में जो भी, मतलब कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, कि जैसे मान लीजिए कि कोई, अनेक एग्जाम्पल शास्त्र में है कि जैसे पलक झपकाते हैं अगर उतनी देर में कोई आ बोलता है तो उसका डबल टाइम लगेगा आ बोलने में। इजी वे में अगर हम समझना चाहें तो उसको इजी वे में, अगर कि 1 सेकंड में अगर हम अ कह रहे हैं तो आ कहने में हमको 2 सेकंड लेने पड़ेंगे है ना, उसको उच्चारण करने में 2 सेकंड चाहिए। चाहिए का मतलब कि उच्चारण कोई ऐसे अ कह दिया, ऐसे आ भी कह दे तो उसको, उस उच्चारण को गलत माना जाए, कि उसमें, क्योंकि उसकी जो टाइम ड्यूरेशन है जिसने भी उसको उच्चारण किया, प्रोनाउंस किया, उसने सही तरीके से नहीं किया उच्चारण। इसी प्रकार ई जो है
उसको जितना टाइम लगेगा उच्चारण होने में उसका डबल टाइम ई को लगेगा। उसी प्रकार उ उ री री, इस प्रकार री ए ओ आई औ, है ना। तो ये जितने भी हैं ये, क्योंकि ह्रस्व और दीर्घ के भेद चलते चलते इन चार तक हैं ये भेद, ये 5 6 7 8 9, ये जो 5 हैं ये सारे दीर्घ हैं, ये सारे जो हैं ये हाँ दीर्घ अल्फाबेट्स। हाँ जी तो दीर्घ अल्फाबेट्स होने के कारण इन सबको 2 सेकंड लगेंगे, है हाँ जी ना, इनका उच्चारण कर। इनको ऐसे उच्चारण नहीं कर सकते, ए ओ आई औ ऐसे नहीं कर सकते, इनका उच्चारण ऐसे ही होगा, ए ओ आई औ, है ना। जैसे अगर हम कहेंगे कि जैसे चश्मे को संस्कृत में कहते हैं, अब क्या है कि ये दो जो हैं ये तो ह्रस्व हैं और ये जो है ये दीर्घ है, तो इसको ऐसे नहीं कहेंगे एनक एनक, है ना, इसको कहेंगे आई नक, क्योंकि संस्कृत जो है पहले जब इतनी प्राचीन भाषा है तब ना कोई पेन होता था ना पेपर होते थे, तब जो है गुरु से शिष्य जो है सुनकर ही प्राप्त कर पाता था, इसलिए इसमें उच्चारण बहुत ध्यान में रखा गया है। अगर कोई प्रश्न कर दे कि भाई ए और आई, कुछ भी उच्चारण कर दो उससे क्या फर्क पड़ रहा है, लिखा हुआ तो है ही है। इस कारण से क्या है कि जो गुरु शिष्य परंपरा में पूर्व से पढ़ते आ रहे थे तो वहां पर ना पेन था ना पेपर था उस समय, तो जो है मौखिक रूप से सारा ज्ञान लिया जाता था, गुरु जो है वो बोलते थे और जो शिष्य रहते थे वो सुनकर उसको प्राप्त करते थे, तो इसलिए उच्चारण का बहुत ध्यान देने की आवश्यकता रहती है। और दूसरी चीज की अब अगर हम कहेंगे कि ठीक है अब तो पेन और पेपर है तो अब क्यों हम इतना ध्यान दें, तो ध्यान देने की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि कोई भी जो है सूक्त पढ़ा जाएगा, कोई भी श्लोक पढ़े जाएंगे तो उनका उच्चारण सही होना चाहिए, अगर उसका उच्चारण सही नहीं होता तो फिर उसके अर्थ बदल जाते हैं, और अर्थ बदल जाते हैं तो फिर अर्थ कुछ भी हो सकता है, कि जिस अर्थ के लिए अगर उसको पढ़ा जा रहा था अगर वो अर्थ उसका उसमें मतलब अगर उसका उच्चारण गलत हो गया तो उच्चारण गलत होने से ही उसका अर्थ अगर बदल गया तो उसका जो कोई अगर उस श्लोक में कोई हम मतलब जिस चीज के बारे में भी उस श्लोक को पढ़ा जा रहा है कि अगर कोई चीज मांगी जा रही है, जैसे भागवत में कहता है कि जो है एक मुनि ने जो जब वो श्लोक पढ़ रहे थे तो उन्होंने उसको उच्चारण जो है वो ये जो ह्रस्व दीर्घ और इन्हीं में उन्होंने थोड़ी सी गलती कर दी, तो उनको वरदान चाहिए था ऐसा पुत्र मिले जो इंद्र को मार दे, और उन्होंने उनका उच्चारण में ह्रस्व दीर्घ और इसी की गलती हो गई स्वर की उदात्त अनुदात्त की, तो उनको उसका अर्थ बदल के ये हो गया कि जो है ऐसा पुत्र मिले जिसको इंद्र मार दे, तो फिर उनको ऐसे पुत्र मिला जिसको फिर इंद्र ने मार दिया, जबकि उनको चाहिए था ऐसा पुत्र जो इंद्र को मार ले। इस कारण से जो है श्लोकों को के उच्चारण को बहुत, इसलिए उच्चारण सबसे पहले संस्कृत में जो है उसकी उसका महत्व तो माना जाता है, जब तक कोई उच्चारण ढंग से नहीं सीखता तब तक उसको आगे नहीं पढ़ाया जाता, क्योंकि वो सबसे बेसिक चीज है संस्कृत में। तो 3 प्रकार के अल्फाबेट होते हैं संस्कृत में, स्वर व्यंजन और मिक्स्ड जो मिश्रित। स्वर कितने होते हैं? 9, है ना। स्वरों में 2 भेद होते हैं ह्रस्व और दीर्घ, और प्लुत भी होता है तो 3 होते हैं, और फिर और अनुदात 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 और अनुदात भी होते हैं, उदात्त और अनुदात के भी भेद हो जाते हैं इसमें, और फिर उसमें भी अनुनासिक और अजनुनासिक ये भी भेद होते हैं जिसको हम आगे फिर पढ़ेंगे, अभी सामान्य बेसिक को सीखने के लिए इतना बहुत है, वरना खाली जो अ दिख रहा है इसका प्रोनाउंसिएशन 18 प्रकार से होता है संस्कृत में।
अ का, का 18 मतलब क्यों, मतलब कैसे 18 तरीकों से होता है? उसमें पहले भेद होगा ह्रस्व, फिर भेद होगा दीर्घ, फिर भेद होगा प्लुत, फिर ह्रस्व में उसका होगा उदात्त और अनुदात्त, फिर दीर्घ में होगा उदात्त और अनुदात्त, और फिर प्लुत में भेद होगा उदात्त और अनुदात्त, फिर इसमें भेद होगा उदात्त और उदात्त में अनुनासिक, और अजनुनासिक, फिर ऐसे ही इसमें भी दो हो जाएंगे, ऐसे ही इसमें दो ऐसे कर करके ये 18 भेद होंगे। तो इनका जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो 18 प्रकार से केवल अ का होगा, उसी प्रकार से 18 प्रकार से केवल ई का होगा, और 18 प्रकार से ऊ का होगा, 18 प्रकार से री का होगा। अच्छा, तो फिर इनके ह्रस्व में किसका, दीर्घ सॉरी, होते हैं इसलिए इनके 12 12 प्रकार के होंगे। अच्छा ये 18 हैं, ये 12 हैं जो तीव्र हैं, तीव्र नहीं दीर्घ, दीव्र मतलब जो लॉन्ग दीर्घ है है उन दीर्घ। 12 प्रकार से। तो ये 18 तरीके का इसका मतलब क्या होता है वो मुझे समझ में नहीं आया, ये ब्रेक डाउन मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? थोड़ा डीप ग्रामर का विषय है, आपको ऐसे हम समझाएंगे तो भी समझ में नहीं आएगा। ओके, ये जो वेदों के जो सूक्त आदि पढ़े जाते हैं तो उसमें अगर आ लिखा है तो उसके ऊपर ऐसे निशान रहते हैं, ऐसे निशान, ऐसा निशान, ऐसा निशान, ऐसे उसके आजू बाजू निशान होते हैं, तो वो निशान सूचित करते हैं कि इसका उच्चारण कैसे होगा। बस ऐसे अ लिखा है और उसका ऐसे कोई ऊपर निशान है, कोई नीचे निशान है, और हम खाली अ पढ़ रहे हैं उसको, तो हम उसका सही उच्चारण नहीं कर रहे, तो वो फिर थोड़ा गलत हो जाए, उसके परिणाम गलत हो जाते हैं, उसके अर्थ बदल सकते हैं फिर, और अगर अर्थ बदलेंगे तो फिर अर्थ के अनर्थ हो जाएंगे। ओके, ये प्रोनंसिएशन की प्रैक्टिस है जो 18 प्रकार से होती है वैदिक। तो ये जो भेद होते हैं 18 प्रकार से, मतलब इस अ को 18 प्रकार से इसको प्रोनंसिएशन इसका होता है, और उसका प्रोनंसिएशन कैसे करना है वो वेद में, जब वेद से अगर कोई चीज ली जाएगी तो उसपे ऐसे कुछ प्रकार ऐसे 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 साइन रहेंगे उसके आसपास, तो उससे वो साइन इंडिकेटर्स रहते हैं कि इनका उच्चारण कैसे होगा, उदात्त अनुनासिक होगा, अनुदात्त अनुनासिक होगा, कैसे होगा, है ना, स्वर का भेद रहेगा उसमें, है ना। अच्छा, हाँ, जैसे उसको उदात्त अनुनासिक को आप उदात्त अनुदात्त को ऐसे भी कहते हैं, जैसे अगर आप कहेंगे कि जैसे वो रहता है ना संगीत में सा रे गा मा पा धा नी सा, तो जैसे उसका रहेगा उदात्त का सा तो अनुदात्त का रहेगा रे, है ना, उसकी जो पिच रहेगी जिस पिच पे गाया जा रहा है, तो अगर ये अ जो है अगर इसका उच्चारण इंडिकेट्स कर रहा है उदात्त अनुनासिक या उदात्त अनुनासिक, अगर ऐसा कुछ कर रहा है तो जो है ये डिपेंड करेगा कि किस पिच पे इसको बोला जाएगा इस अ को, तो उसके प्रोनाउंसिएशन की जो है वही 12 साल का अभ्यास खाली प्रोनाउंसिएशन में लगता है संस्कृत में, वो स्पेशली उनके लिए होता है जो कर्मकांड वैदिक काम आदि करते हैं उनके लिए, अच्छा वो बाकी सामान्य जो शास्त्र है वहां पर ये सब निशान नहीं होते, जैसे है उसको पढ़ लीजिए उसमें कोई अच्छा दिक्कत नहीं। हाँ तो मतलब वेद अगर पढ़ने जाओ, उपनिषद पढ़ने जाओ, तो उसमें हाँ करेक्टली है, इतना ग्रामर मतलब नहीं होगा। हाँ वो फिर बचपन से सीखना पड़ता है।
अच्छा 22 साल पे उसको सीखना पड़ता है, क्योंकि उसका वो तो भी नहीं होता। देखिए, जैसे अगर हॉस्पिटल में जाते हैं तो हॉस्पिटल में हर प्रकार के स्पेशलिस्ट रहते हैं, है ना। तो जैसे कोई हार्ट का स्पेशलिस्ट है, कोई जो है वो इसका है, बोन्स का है, हड्डियों का विशेषज्ञ है, कोई हृदय का विशेषज्ञ है। तो अब जो है हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना कि जो हड्डी का विशेषज्ञ है वो हमारे हार्ट जो हृदय है उसका इलाज कर देगा। तो ओके जो जो हड्डियों का विशेषज्ञ है, उसने जितनी पढ़ाई करी है सालों, वो केवल हड्डी की विशेषताओं को जानने में करी है, उसको कैसे ठीक करना है, उसके क्या क्या गुण होते हैं, अगर कुछ हो जाता है उसको कैसे फिक्स करना है, अगर हड्डी टूट जाती है तो कैसे जोड़नी है, उसका यही काम है। उसी प्रकार जो है संस्कृत में भी जो स्वरों का अभ्यास, हर प्रकार का 12 साल का अभ्यास होता है ना। जैसे संगीत में भी अगर कोई सीखता है तो सुर को साधने के लिए 12 साल का अभ्यास कहा गया है, कि ये जो सारे गामा पाधा निसा है, ये 12 साल तक केवल सारे गामा पाधा निसा का अभ्यास होता है। केवल कोई हारमोनियम पकड़ ले और ये कहे कि हम अच्छा गा रहे हैं तो वो अच्छा गा सकते हैं, बाकी उसको जो है वो नहीं कहा जाएगा कि ये प्रोफेशनली, जो एक जिसको कहते हैं ना कि अगर किसी ने वो जिसका अभ्यास 12 साल का है, अगर वो सा भी गाएगा ना, केवल केवल सा ही लगा देगा वो, तो उसकी सा में ही इतनी ताकत होगी जितना कोई पूरा 2-3 घंटे तक गा लेगा, तो भी उसमें जो है इतना आकर्षण नहीं होगा, उसके उसके पूरे गाने में या उसके पूरे भजन में इतना आकर्षण नहीं होगा जितना वो केवल सा कहेगा, उतने उतने में ही आकर्षण पैदा हो जाएगा। वो सुर है, क्योंकि सुर ईश्वर है, जब उसने सा कहा तो ईश्वर का प्रवेश हो गया उसके सामने, ये उसकी साधना है। साधना ही जो रहती है, जिसको प्रैक्टिस कहते हैं, वही जो रहती है। जैसे कोई भक्ति करेगा, कोई कोई भक्त आएगा, वो 2-4 दिन भक्ति करेगा और फिर कहेगा कि हमको भगवान ने दर्शन दे दिए, तो वो उसको जो है, और कोई जो है वो कहे 50-50, 60-60 साल से साधना तपस्या में लगे हैं, भगवान उनको नहीं दर्शन दे पाए, तो क्योंकि, और फिर जब भगवान उनको देंगे 60-70, तो प्रमाणिक जो दर्शन माने जाएंगे वो उसके माने जाएंगे जिसने 60-70 साल जो भी जीवन में तपस्या की और भगवान ने उनको दर्शन दिए, तो उनके दर्शन को सिद्ध दर्शन माना जाएगा। और वो जो बोलेंगे फिर उस उनके बोलने में आकर्षण रहेगा, हमारा मन उनकी बात में स्थिर हो जाएगा वो जो बोलेंगे। उसी प्रकार जो है, जैसे संगीत में स्वर का अभ्यास होता है 12 साल तक, उसी प्रकार संस्कृत में अलग अलग चीजें हैं, जैसे व्याकरण हो गई, है ना। व्याकरण जो है वो वेद का मुंह कहा जाता है, मुख, माउथ। उसी प्रकार जो है छंद हो गए, छंद यानी मीटर, श्लोक में कहाँ रुकना है, कहाँ पे सांस लेना है, कहाँ से फिर श्लोक को वापस स्टार्ट करना है, ये सब जो है एक मीटर होता है, वो छंद कहा जाता है। तो इसलिए, क्योंकि कहाँ रुकना है, कहाँ से फिर वापस उस पे चलना है श्लोक को, तो इसलिए छंद को वेदों के पैर कहा जाता है। उसी प्रकार जो है फिर ये कर्म कांड आदि जो भी हो गए, तो हर प्रकार की जो स्पेशलिस्ट जो रहते हैं वो हर प्रकार में उसको 12, कोई व्याकरण का अभ्यास करेगा तो उसको फिर 12 साल का अभ्यास लगेगा व्याकरण का पूरा, अगर उसको बिल्कुल मास्टरी करनी है उसमें, तो फिर उसको 12 साल का अभ्यास व्याकरण में लगेगा। उसी प्रकार ये जो स्वर का अभ्यास होता है, इस स्वर का भी संपूर्ण जो है अच्छी प्रकार से अभ्यास करके अगर इसमें कोई मास्टरी करता है तो उसको 12 साल लगते हैं। लेकिन ये काम जिसका जो काम होता है वो करता है। अगर कोई ब्राह्मण है और उसका ये काम है कि यज्ञ करना आदि, तो फिर उसके लिए स्वरों का ज्ञान आवश्यक है, इसलिए उसको वो करना पड़ेगा। कोई अगर भक्त है तो भक्त को आवश्यकता नहीं है वैदिक कर्मकांड आदि करने की, वो किसी ब्राह्मण को बुलाकर उससे वैदिक कर्मकांड करा ले, तो उसने उसकी साधना करी है 12 साल की, वो आके उसको कर लेंगे वहां पर, वो हम हमारा करने का काम वो नहीं। तो उसी प्रकार व्याकरण, क्योंकि व्याकरण शिक्षा है, इसलिए इसको लेना आवश्यक है सभी के लिए। इस कारण से जो है वैदिक जो वेद आदि उपनिषद आदि है, उनमें ये स्वरों में ऐसे निशान आपको, इंडिकेटर्स मिलेंगे,
बाकी सामान्य पुराण और ये जो है गीता आदि महाभारत आदि, इनमें आपको ऐसे निशान नहीं मिलेंगे। उसमें अगर अलिखा हुआ है तो आप ही पढ़ सकते हैं। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, वहां पर कोई सुर का आपको ध्यान नहीं देना, वहां केवल मीटर का ध्यान देना है, छंद का, कि कहाँ में रुकना है इसको और कहाँ से चलना है, जो सामान्य ज्ञान। तो इस प्रकार जो है ये स्वर का अभ्यास जो है ये आवश्यक होता है। तो ये 9 प्रकार के जो है स्वर संस्कृत में होते हैं। दूसरे प्रकार के होते हैं व्यंजन, क्योंकि बहुत सारे होते हैं इसलिए बहुवचन में कहेंगे व्यंजनानि, व्यंजनानि। एक चीज और है, संस्कृत इंग्लिश में होता है सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर और प्लूरल। संस्कृत सिंगुलर को कहते हैं एकवचनम, और प्लूरल को कहते हैं बहुवचन। लेकिन संस्कृत में एक और होता है द्विवचन, जो और किसी भाषा में नहीं है, केवल संस्कृत में। सिंगुलर मतलब एक, प्लूरल मतलब दो या दो से अधिक। द्विवचन को संस्कृत में, अगर हम इंग्लिश में कहेंगे तो होगा ड्यूअल, दो। तो ये द्विवचन को भी संस्कृत में रखा गया है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जैसे माता पिता है ना, तो ये दो है। इस प्रकार बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनके दो जोड़ के जोड़ चलते हैं इस कारण से, लेकिन उसको इंग्लिश में और बाकी दूसरी भाषाओं में तो बहुवचन में ले लिया जाता है, लेकिन संस्कृत में एक वचन यानी एक, द्विवचन यानी दो, और बहुवचन यानी दो तीन या फिर तीन से ज्यादा, तीन वचन होते संस्कृत में। चलिए प्रभु जी, आज के लिए इतना बहुत है। अगर आपको कोई माइंड नहीं हो, 11 बजे मेरी मीटिंग शुरू होगी अब। हाँ बिल्कुल बिल्कुल माता जी, बाकी हम कल कर लेंगे। हाँ हाँ जी, कल फिर मिलते हैं सुबह, मैं आपको बताती हूँ किस टाइम पे। ठीक है, हाँ ठीक है माता ठीक है प्रभु जी, फिर हरे कृष्णा। जी, बिल्कुल।